लोकसभा चुनाव से पहले चर्चाओं का सेंटर मध्य प्रदेश बन गया है। एमपी में सियासी हलचल अपने चरम पर है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के पाला बदलने को लेकर कयासबाजी चल रही थी। बीजेपी कमलनाथ के सहारे कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंधमारी की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी की कोशिश फेल हो गई। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम नेताओं के पाला बदलने का खेल चल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भी पाला बदलने की चर्चाएं एकदम से शुरू हो गई, लेकिन अब इन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। जहां बीजेपी ये उम्मीद लगाई हुई थी कि दूसरे नेताओं की तरह कमलनाथ को भी वो अपने पाले में ले आएगी, लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुल नाथ के भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। कमलनाथ ने खुद इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये खबर कहां से चल रही है, मीडिया ही इस तरह की खबर चला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इससे पहले कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी साफ कर दिया था कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कमलनाथ और नकुल नाथ में से कोई भी बीजेपी में नहीं जा रहा। कमलनाथ सभी पदों पर रह चुके हैं, उनके भाजपा में जाने जैसी कोई बात ही नहीं थी। नकुल नाथ कांग्रेस के टिकट पर छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने कहा, ये सब अफवाहें हैं, कमलनाथ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है, वह पार्टी की संपत्ति है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने रविवार को कमलनाथ से फोन पर चर्चा की। इसके बाद सियासी समीकरण बदल गए। राहुल ने नाथ से कहा कि आपने पार्टी और देश के लिए बहुत कुछ किया है, पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है, आगे भी करती रहेगी। इसी के बाद कथित दल बदल पर पेंच फंस गया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कमलनाथ ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।